चलिए बात करते हैं 2023 की कुछ ऐसी मूवीज जिसको लोगों ने देखकर कहा था इसमें पक्का मोदी जी का हाथ है। तो चलिए बात करते हैं 2023 की कुछ कंट्रोवर्शियल मूवीज की। सबसे पहले बात करते हैं अकेली की। नुसरत फरोचा की इस मूवी में ये दिखाया जाता है कि कैसे इंसान जॉब ट्रैप में फंस जाता है और जॉब करने के लिए दूसरे देश में जाता है, अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम कंट्रीज में जहां टेररिस्ट हमले होते हैं, और कैसे कैसे लाइफ में सफर करना पड़ता है उसके बाद। मूवी काफी अच्छी है और नुसरत फरोचा एज ए हीरोइन ने फीमेल लीड नहीं इस मूवी को बिल्कुल हीरो वाला फील दे दिया था। वही बात करते हैं अपने चौथे मूवी की जो आज तक रिलीज ही नहीं हो पाई, बहत्तर हुरे। बहत्तर हुरे मुस्लिम के एक मिथ पर बनी है जो ये सोचते हैं कि हम नेक काम करके या कुछ आतंकवाद जैसे काम करके जब मरेंगे तो जन्नत में हमें 72 नंगी हुरे मिलेगी जो हमारी सेवा करेंगी, और हमारा जब ताकत हो जाएगा 72 गुना, जो एक आदमी का सीमन झड़ने का होता है वो 72 गुना बढ़ जाएगा। मूवी में बताया गया है कि 72 हुरे जैसा कुछ नहीं होता, आप यहीं पर मर जाओगे। इसकी स्क्रीनिंग जेएनयू में रखी तो गई लेकिन इसे सेंसर बोर्ड से क्लियरेंस नहीं मिला और ये कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। चलिए बात करते हैं तीसरे नंबर की, अजमेर 92। जी हाँ, कांग्रेस का एक काला सच अजमेर 92 में दबा हुआ है, जहां पर पूरे एक स्कूल छात्रा के द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया एक नेता द्वारा, और कई छात्रा ने आत्महत्या कर लिया था अजमेर में 92 के वक्त। अजमेर 92 उसी सच को उजागर करती है। हालांकि ये मूवी कमा नहीं पाई और पॉपुलर नहीं हो पाई, लेकिन इसमें ये काला सच दिखाया गया है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये मोदी सरकार के रूल में ही क्यों आई, लेकिन सच सच होता है, वो कभी भी आए। चलिए बात करते हैं आदि पुरुष की। हमने उसे फ्लॉप लिस्ट में भी डाला था और अब कॉन्ट्रोवर्सियल लिस्ट में। अरे रामायण की ऐसी की तैसी कर दी इन लोगों ने, कहा वो 90s वाले रामानंद सागर की रामायण और कहा ये। ऐसे शुरू में ही दिखाया गया था कि ये वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, लेकिन अपनी कहानी बना रहे। हनुमान जी से ऐसे ऐसे डायलॉग बुलवा रहे हैं, मैं तेरी लंका जला दूंगा, ये छपरियों वाली मूवी। तो ये लोगों को समझ आ गया था कि इसे ना देखे तो ही बेहतर है, क्योंकि इन्होंने हमारे आने वाले जनरेशन को काफ़ी ख़राब संदेश दिया। तो ये भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी में थी और जो इसके मेकर्स थे उनकी जमकर आलोचना की गई। वहीं बात करते हैं नंबर वन की। आपको पता ही होगा नंबर वन पर कौन होगा, होगा कौन नहीं पता आपको, जहां पूरा इंडिया ही देखने गया था इस मूवी को, और देखने के बाद यही कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें मुस्लिम्स बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। लड़कियों को ज़बरदस्ती दिखाया गया था कि कैसे मुस्लिम्स लव ट्रैप लव जिहाद करते हैं। अब देखिए इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं है ये तो मूवी देखकर और आप ही जाने, आप अपनी समझ के हिसाब से, लेकिन ये मूवी कहीं ना कहीं एविडेंस के लिए चूक गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि तुम ये दिखाओ कि ये फिक्शन बेस्ड है, क्योंकि मूवी के द्वारा क्लेम किया गया था कि ये मूवी एक सच्चे नंबर पर बनी हुई है, जो कि मूवी के लास्ट में कहा कि इस वेबसाइट पे आपको डाटा मिल जाएगा, लेकिन वो वेबसाइट ही गायब थी। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम मूवी पर लिखो कि ये घटना सच्चाई पर आधारित नहीं है। द केरला स्टोरी ऐसे तो रिसर्च बेस्ड मूवी है, बट इसमें कुछ ना कुछ तो मिर्च मसाला भी था। ये थी 2023 की कुछ कॉन्ट्रोवर्सियल मूवी जिन लोगों ने प्यार दिया देखा, और ये मूवी कुछ हिट भी गई और कुछ रिलीज भी नहीं हो पाई। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब।